मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं। उनके प्रभाव वाली सरकारें थी वहां यूएपीए को लगाते नहीं थे, आतंकवादी कृत्य कर सादे गुना की सजा में निकल जाते थे। अब हमने ये मूल कानून के अंदर ही आतंकवाद का जिक्र कर ऐसे लोगों को जेल के बाहर आने का रास्ता लगभग लगभग असंभव कर दिया। ट्रायल इन एब्सेंसिया का भी प्रोविजन, कुछ लोग इस पर आपत्ति ले सकते हैं, वो लोग पाकिस्तान में या कहीं और देशों में शरण लेकर बैठे हैं, ट्रायल नहीं चलती। मान्यवर, अब इनके यहाँ आने की जरूरत नहीं है। 90 दिन के अगर वो कोर्ट के सामने नहीं आते तो उनकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगी, एक सरकारी वकील उनकी पेर भी करेगा, फांसी भी होगी, जन्मठिप भी। देश की संसद में आज 3 महत्वपूर्ण विधेयक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किए। इनमें पहली बार मॉब लिंचिंग से लेकर देशद्रोह तक के कानूनों में बदलाव किया गया है। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे पुराने कानूनों को बदला गया है। इस वीडियो में हम पेश किए गए 3 विधेयकों के बारे में विस्तार से जानेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के शीतकालीन सत्र के 13वें दिन बुधवार को लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को पेश किया। भारतीय दंड संहिता IPC और आपराधिक न्याय प्रणाली यानी CRPC की जगह पहले पेश विधेयकों को सुधार कर वापस सदन में रखा गया था। 3 विधेयकों को ध्वनि मत से पारित किए जाने से पहले इस पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि 3 आपराधिक कानूनों की जगह लाए गए संशोधित विधेयक गुलामी की मानसिकता को मिटाने और औपनिवेशिक कानूनों से मुक्ति दिलाने की प्रधानमंत्री मोदी सरकार की प्रतिबद्धता के उदाहरण है। शाह ने कहा कि मोदी सरकार इन विधेयकों में पहली बार आतंकवाद की भी व्याख्या करने जा रही है, साथ ही राजद्रोह को देशद्रोह में बदला जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की आलोचना तो कोई भी कर सकता है, ऐसा करने पर कोई जेल भी नहीं जाएगा, लेकिन कोई भी अब देश के विरोध में नहीं बोल सकता। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के भाषण में देश को औपनिवेशिक कानूनों से मुक्ति दिलाने की बात कही थी। उसी सिलसिले में गृह मंत्रालय ने आपराधिक कानूनों में बदलाव पर गंभीरता से विचार किया और नए विधेयक लेकर आई। बता दें कि पहली बार मॉब लिंचिंग की अपराध के तौर पर व्याख्या की गई है और उसमें फांसी की सजा निर्धारित की गई है। तो उसी सिलसिले में गृह मंत्रालय ने आपराधिक कानूनों में बदलाव पर गंभीरता से विचार किया और नए विधेयक लेकर आई। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे संसद में पेश हुए इन नए विधेयकों से क्या क्या बदलने वाला है। एक बार मैं किसी भाषण में चिदंबरम साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि गृह मंत्री की परीक्षा है कि नया कानून लेकर आएंगे तो मॉब लिंचिंग का क्या करेंगे। चिदंबरम साहब, ना आप हमारी पार्टी को समझे हो ना हमारे सिद्धांतों को समझे हो। हमारी पार्टी की केवल एक और एक आइडियोलॉजी है, भारत का उत्कर्ष, एकमात्र आइडियोलॉजी पर भारतीय जनता पार्टी। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं। मगर अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने भी इस देश में 70 साल में 58 साल शासन किया है, आपने मॉब लिंचिंग को भला अब तक क्यों नहीं लाए थे? हम तो जब बदलाव किए तब लाए। मॉब लिंचिंग शब्द का उपयोग हमें गाली बोलने के लिए तो खूब किया, मगर जब सत्ता में आए तब भूल गए। इस प्रकार के व्यवहार को जनता जानती है, इसीलिए उस ओर बैठे हो और उस ओर से भी सदन के बाहर बैठे। लोकसभा में अमित शाह ने कहा कि उन्होंने 3 विधेयकों को गंभीरता से पढ़ा और इसके बनने से पहले 158 ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि CRPC में पहले 484 धाराएं थी, नए विधेयक में 531 धाराएं होंगी। इसके कुल 177 धाराओं में बदलाव किए गए, 9 नई धाराएं जोड़ी गई, 39 नई उप धाराएं जोड़ी गई और 44 नए प्रावधान जोड़े गए। इस तरह आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूल चूल बदलाव किया जा रहा है। शाह ने बताया कि पहले के कानूनों के तहत प्राथमिकता ब्रिटिश राज की सलामती थी, यह प्राथमिकता बदलकर मानव सुरक्षा और देश की सुरक्षा हो गई। 3 नए विधेयकों को व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवाधिकार और सबके साथ समान व्यवहार के 3 मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार
अपराध न्याय प्रणाली से जुड़े तीनों कानूनों का मानवीकरण हो रहा है। अमित शाह ने जोर देकर बताया कि नए विधेयकों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कानूनों को प्राथमिकता दी गई है। उसके बाद मानव अधिकारों से जुड़े कानूनों और देश की सुरक्षा से संबंधित कानूनों को रखा गया है। अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि पीएम मोदी की सरकार पहली बार आतंकवाद की कानूनी व्याख्या करने जा रही है। आतंकवाद मानव अधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन है। इसके अलावा राजद्रोह को देशद्रोह में बदला जा रहा है। साथ ही मॉब लिंचिंग के घृणित अपराध में फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। 1,00,000 से ज्यादा लोग आतंकवाद की बलि पर चढ़ने के बाद 75 साल के बाद पहली बार आपराधिक न्याय कानूनों में जगह देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार को। हमारा वादा था माननीय इस देश की जनता को कि हम आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखेंगे, और आतंकवाद की व्याख्या ही नहीं। कुछ सांसदों ने, मैं बाद में जवाब देता हूं, कहा है कि यूएपीए में है, मगर जहां उनके प्रभाव वाली सरकारें थी वहां यूएपीए को लगाते नहीं थे। आतंकवादी कृत्य कर सादे गुना की सजा में निकल जाते थे। अब हमने ये मूल कानून के अंदर ही आतंकवाद का जिक्र कर ऐसे लोगों को जेल के बाहर आने का रास्ता लगभग असंभव कर दिया। मुझे मालूम है कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हुई, बताया भी है, मैंने भाषण पढ़े, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। इस देश के कानून में आतंकवाद को रोकने की धाराएं और इस सम्माननीय सदन का कोई व्यक्ति उसको मानव अधिकार के नाम से विरोध करे? आतंकवाद ही मानव अधिकार का सबसे बड़ा हनन करता है। जो आतंकवाद फैलाता है, आतंकवादी कृत्य करता है, जिसका जो विक्टिम होता है, इसके मानव का अधिकार का हनन आतंकवादी कृत्य करने वाला व्यक्ति करता है और उसको कठोर से कठोर सजा मिलती है। और मैं तो आश्चर्यचकित, मैं यहां बैठा होता तो टोकता भी, रोकता भी, प्रयास भी करता कि इसको सदन के रिकॉर्ड का हिस्सा न बनने दिया। आप एक्सपोज हो रहे हो, मैं था नहीं, मैंने पढ़ा, इसका बचाव करते हैं। किस जमाने में जी रहे? अंग्रेजों का शासन नहीं है, कांग्रेस का शासन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का शासन। यहां पर आतंकवाद को बचाने की कोई दलीलें काम में नहीं ली जाएगी, परंतु इसके दुरुपयोग न हो इसके लिए इसकी व्याख्या भी हमने बड़ी स्पष्ट की। इसकी व्याख्या की है, क्या की है? जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा की प्रभुता को खतरे में डालता है और किसी भी वर्ग में आतंक फैलाने का प्रयास करता है आइदर और साइड से, उसको आतंकवादी घटना कहा जाएगा। उसका विवरण दिया है, डायनामाइट, विस्फोटक पदार्थ, जहरीले गैस, न्यूक्लियर का उपयोग, ऐसी घटनाओं में जब कोई भी वृत्ति होती है तो घटना करने वाला आतंकवादी कृत्य में लिप्त माना जाएगा। अब इसमें कहां दुरुपयोग की गुंजाइश है? ये तीनों नए विधेयक भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लाए गए। अमित शाह ने तीनों आपराधिक कानून संशोधन विधेयक को लेकर कहा कि हम दंड के बदले न्याय पर फोकस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारे संविधान की भावना के हिसाब से कानून बनने जा रहा है। शाह ने कहा कि मुझे गर्व है कि 150 साल बाद हम इन तीनों औपनिवेशिक कानूनों को बदलने का काम कर रहे हैं। पहली बार संसद के मानसून सत्र के दौरान भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को सदन में पेश किया गया था। केंद्र सरकार ने तब इसे वापस ले लिया था। अमित शाह ने शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार को तीनों विधेयकों का संशोधित संस्करण पेश किया था। शाह ने लोकसभा में कहा कि प्रस्तावित कानून पुलिस की जवाबदेही को मजबूत करने में भी मदद करेगा। गिरफ्तार किए गए हर शख्स के बारे में अब पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। मोदी सरकार ने अब तस्करी कानूनों को भी जेंडर न्यूट्रल बना दिया है। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से नए भारत की कानून व्यवस्था अत्याधुनिक और ज्यादा असरदार होगी। गृह मंत्री ने बताया कि गैंग रेप के आरोपी को 20 साल तक या जिंदा रहने तक जेल की सजा दी जाएगी।
पहले रेप के आरोपी को अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान था। नए विधेयक के मुताबिक 18, 16 और 12 साल की उम्र की बच्चियों से रेप में अलग अलग सजा मिलेगी। 18 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप में उम्र कैद और मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। 18 साल की लड़की के साथ रेप भी नाबालिग से रेप की कैटेगरी में ही आएगा। सहमति से संबंध में 15 साल की उम्र को बढ़ाकर 18 साल कर दिया गया है। लोकसभा में पेश नए विधेयक में अब पुलिस की जवाबदेही भी तय होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि पहले किसी की गिरफ्तारी होती थी तो उसके परिवार के लोगों को जानकारी ही नहीं होती थी। अब कोई गिरफ्तार होगा तो उसके परिवार को जानकारी देने की जवाबदेही पुलिस की होगी। किसी भी केस में 90 दिनों में क्या हुआ, पुलिस को इसकी जानकारी पीड़ित को उपलब्ध करानी पड़ेगी। अभी सीआरपीसी में कोई समय निर्धारित नहीं है। पुलिस 10 साल बाद भी जांच कर सकती है। अब पुलिस को 3 दिन के भीतर ही रिपोर्ट दर्ज करनी होगी। 3 से 7 साल की सजा वाले मामले में 14 दिन के भीतर जांच करके FIR रजिस्टर करनी होगी। अब बिना किसी देरी किए रेप पीड़िता की रिपोर्ट को भी 7 दिन के भीतर पुलिस स्टेशन और कोर्ट में भेजना होगा। पहले जांच चल रही है ऐसा बोलकर सालों केस लटकाए जाते थे, अब 7 से 90 दिनों का समय रहेगा। ये समय पूरा होने के बाद 90 दिनों का ही अतिरिक्त समय मिलेगा। 180 दिनों के बाद चार्जशीट लटका कर नहीं रखी जा सकती। इस तरह इन तीनों विधेयकों के कानून बनने की सूरत में देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूलचूल बदलाव होने जा रहा है। अगर आपके मन में पेश हुए विधेयकों से जुड़े कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, हम अगले वीडियो में उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। देश दुनिया की सारी खबरों, सारी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया।